लोकेश पांडू चैनल अपने सफरनामा के तौर पर हम बिहार से आपको होते हुए सारण जिला के आपको जो छपरा विधानसभा क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो चर्चा जो हमारे के जो रणधीर सिंह जी यहाँ के जो प्रबल दावेदार हैं राजद के अपूर्व भी थे भी आपको पूरे भारतवर्ष के आप पूरे कहिए कि एशिया लेवल तक का सभी बड़े छोटे नेताओं का ये केंद्र क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद जी के भी जमाने के चर्चित पूरा इतिहास भरा पड़ा है आपको आज बहुत यहाँ के लोगों को सौभाग्य हुआ कि तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। सीधा पहले हम चलते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे डायरेक्ट आपका एक्सक्लूसिव जो यहाँ के उम्मीदवार हैं। चलिए आप अपना नाम बता दें आप। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह आप बताइए कि आपको चारों तरफ तो जैसा लगता है आपको तेजस्वी यादव जी के भीड़ भाड़ से कि संभावित मुख्यमंत्री हैं। हमारे चैनल या हमारा लोकेश पांडू चैनल ने कल अपने सर्वे पोल पर हमने महागठबंधन को हमने जीत दर्ज करा दी है और बल्कि पहला भारतवर्ष के ये चैनल जो आपको हम लाइव चला रहे हैं आपको हमने कल उनको भावी मुख्यमंत्री घोषित भी कर दिया हमने। चलिए बहुत अच्छी बात है कि रणधीर जी आप पहले बताइए आप यहाँ आएंगे युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं आपके युवाओं को बताएंगे अपना रिएक्शन। देखिए यहाँ तो आप एक बार नज़र घुमा के देखिए संख्या ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का ही है और हमारे पार्टी के नेता भाई तेजस्वी जी का जो ये घोषणा है कि अगर अपनी सरकार बनती है तो बिहार में सबसे पहले कैबिनेट के बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे ये युवाओं के प्रति उनका अच्छा सोच है। और जो भी युवा खेल से जगत से जुड़े हुए हैं या जिस जगत से जुड़े होंगे पढ़ने वाले होंगे उनके लिए हम लोग हैं हर तरह का उनको सुख सुविधा देंगे मदद करेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा आगे खड़े रहेंगे। आप पहला सवाल दिया आप शराबबंदी जो बताया जाता है कि एनडीए में शराबबंदी पर जो नियंत्रण की बात कही जाती है शराबबंदी पर आप पहले कौन से काम करेंगे आप या उसको बंद करेंगे कि समीक्षा करेंगे आपका व्यक्तिगत राय हम चाहते हैं लेने के लिए। देखिए नीतीश कुमार जी पिछले 10 साल से शराबबंदी के लिए बोल रहे हैं अब शराबबंदी करा भी दी है लेकिन बिहार में जो स्थिति है अभी शराबबंदी तो उनके कागजों में है यहाँ होम डिलीवरी शुरू हो चुका है कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा कोई ऐसा मतलब बाजार नहीं होगा जहाँ शराब ना बिक रहा हो। शराबबंदी उनका बिल्कुल विफल है फेल है। आने वाले समय में हमारे पार्टी के नेता कांग्रेस के तरफ से भी ये कहा गया कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा जो भी पार्टी के नेता का निर्णय होगा हम लोग उसके साथ। रणधीर जी मेरा एक अंतिम उत्तर छोटा सा चूँकि अभी आप लोग आगमन समय प्रचार प्रसार करेंगे आप बताइए कि आप पे आरोप जो लगता है 15 साल पूर्व का कि जंगल राज आपको ये राज्य प्रधान राज्य उस जो एलिगेशन जो आप पर है जो एलिगेशन 15 साल का जो एलिगेशन है तो हम आप उस एलिगेशन को कैसे आप दूर करेंगे आप। नहीं अगर हर समाज हर वर्ग को लेकर साथ चलना जंगल राज है तो ये विरोधी लोग टिप्पा टिप्पणी करें हमारा 15 साल का वो जंगल राज बताते हैं तो ये बताना कि इस 15 साल में तो वो थे इस 15 साल में बिहार में क्या किए हैं कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं इस बिहार में कितना कल कारखाना शुरू हुआ एक सुई का कारखाना तक शुरू नहीं करा पाए और पिछले 15 साल का बात करते हैं। आज हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के तरफ से ये घोषणा हुआ कि हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे अब वो 19 लाख का सपना दिखा रहे हैं आप लोग देखे भी होंगे तो अगर उनको 19 लाख को नहीं 50 लाख को या 1 लाख को युवा को नौकरी देना था तो 15 साल में क्यों नहीं दिए ये तो देख के पीछे से वाहवाही लूटने वाली बात है। ये सरकार बिल्कुल विफल है और जहाँ तक उनके विकास की बात है पूरे बिहार की तो बात छोड़ दीजिए हमारे छपरा में डोरीगंज से छपरा आने का NH का काम पिछले 14 साल से चल रहा है और जो मुख्यमंत्री 14 साल में एक सड़क हमारे जिले का नहीं बनवा पाया उसके बारे में हम पूरे बिहार के विकास का क्या बात करेंगे उनका सुशासनपन और उनका विकास कागजों में है। चलिए धन्यवाद। अगला सवाल आज 71 सीटों पर विधानसभा में आपके बिहार में 16 जिलों में चुनाव चल रहा है आपको आपको मालूम है शाम तक चलेगा 71 सीट पर आपके क्या कहना है कि कितने आपके राजा सीट आएगी। देखिए अब बिहार में परिवर्तन की हवा चल चुकी है आप देख रहे होंगे भाई तेजस्वी जी का जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे हमारा सवाल है कि 71 विधानसभा सीट पर आपकी राजद कितने सीट लेगी। तो मुझे तो लगता है 71 में 71 हम लोग ले लेंगे महागठबंधन का सीट होगा। बिहार में लहर चल चुकी है अब यहाँ विरोधी नाम का चीज़ दिखाई भी नहीं देगा आपको 71 में 71 भी हमारे पास आ सकता है। आपका नाम हुआ आपका देवेंद्र सिंह। अच्छा सिंह जी आप चलिए धन्यवाद आपको आप बताएं इनके बारे में जो उन्होंने बयान दिया आपका आपको क्या कहना है। ये जितना बात कहें हम इस सारी बातों से सहमत हैं और 15 साल की जंगल राज की बात आप करते हैं वह तो बहुत पुरानी बात हो गई कितने दिन तक 15 साल के नाम पर राज करेंगे। मैंने वो डायलॉग है वो हाँ वे तो डायलॉग है उनका उस पर कितना दिन राज करेंगे। तो ठीक है इसी बात में चलिए आपको देख सकते हैं आपको हमारे ये जो रणधीर जी हमारे हैं आपके चलिए फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट प्रोग्राम।